लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई वाशी के सागर विहार में विकास कार्यों के उद्घाटन पर बवाल मच गया है। स्थानीय नागरिक पूर्व नगर सेविका दिव्या वैभव गायकवाड़ की इस पहल से नाराज है, जिन्होंने मनपा अधिकारियों को बुलाए बिना ही दो दिन पहले एसीपी नेता शशिकांत शिंदे के हाथों उद्घाटन करवा दिया था। स्थानीय नागरिकों की माने तो प्रभाग में कई महत्वपूर्ण कार्य बाकी है, लेकिन नगर सेविका ने चुनावी फायदा उठाने के लिए यहां पार्किंग पैलेस पर नए निर्माण की तैयारी कर ली है, जो पब्लिक फंड का दुरुपयोग और राजनीतिक स्टंट के सिवाय कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस अवांछित विकास को रोकने की मांग की है। देखे रिपोर्ट। फालतू बर्बादी है सर, ये फुकट जनते का पैसा बर्बाद करने का चल रहा है। अभी ये इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये तुम्हारे इसमें काम किया है करके। कुछ जरूरी नहीं है इसका ब्यूटिफिकेशन करने का, ये 100% पॉलिटिकल स्टंट है। आई विल ओनली से मिसयूज ऑफ टाइम एंड मनी, दैट्स ऑल आई कैन से। ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये करप्शन, ये करप्ट माइंड, करप्ट एक्टिविटी और ये करप्ट मैन प्रैक्टिस है, इसका जांच होना चाहिए। तस्वीर में दिख रहा यह वासिक विकसित वार्ड 64 का सागर विहार इलाका है, जहां बिना जरूरत विकास कार्यों के उद्घाटन पर बवाल मच गया है। चार दिनों पहले यहां पूर्व नगर सेविका दिव्या वैभव गायकवाड़ ने एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे को बुलाकर शिलान्यास करा दिया, जिससे स्थानीय नागरिक नाराज हो गए हैं। नागरिकों की माने तो मनपा अधिकारियों को बुलाए बिना ही पूर्व नगर सेविका ने जिस तरह इस अवांछित विकास का शुभारम्भ करवाया, वह राजनीतिक स्टंटबाजी और जनता से जमा पैसों की बर्बादी और विश्वासघात है। नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि यदि 1.5 करोड़ में होने वाला यह विकास महानगर पालिका करवा रही है, तो फिर वहां विकास खर्च, कॉन्ट्रैक्टर और काम का पूरा ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया। जाहिर है ऐसी जानकारियों का सूचना फलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ नेताओं का बैनर लगाया गया, जो कई सवाल खड़े करता है। ये काम की एक्चुअली अभी कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि कोविड का सीजन चालू है, कोविड से लोग हाल बेहाल है, पैसे का तो दुरुपयोग है। इन्होंने प्लान ही नहीं बताया कहाँ क्या कर रहे हैं और उसको कितना खर्चा आएगा, कितना लागत आएगा, वो कुछ नहीं बताया। और प्लान क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं है, बस लोगों को दिखावे के लिए उद्घाटन किया। पैसा वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट का भी और महानगर पालिका का भी। ये 100% पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जैसे कि इधर कोई महानगर पालिका का अधिकारी नहीं था और अभी जो बोर्ड लगे हैं उसमें तो सब एक ही पार्टी के हैं। इस वक्त पे सागर विहार का जो इसने बड़े पैमाने पे उद्घाटन करके जो भी प्लान कर रहे, यूजुअली अगर हमने कम्युनिटी सेंटर देखा तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं, जो डेपो है वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, यहाँ पे ना कुछ बोर्ड दिखता है ना ब्लूप्रिंट है। मैंने नवी मुंबई वेबसाइट पे जाके देखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो क्या रहा है, व्हाट इज इट, और वो किसको बेनिफिट होगा। मैं तो यही पूछना चाहूँगा, अगर महानगर पालिका का अगर ये प्रोजेक्ट है तो अभिजीत बंगार जो यहाँ के है इंचार्ज, व्हाई हैजंट ही लुक्ड इनटू इट। तो फिर ये है किसका प्रोजेक्ट, इज अ बिग क्वेश्चन। इस वक्त तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये जो व्हाट इज अमाउंट मिला है या तो कोविड की तरफ जाना चाहिए या उन पार्क को प्रॉपर बनाने की जाए। आई विल ओनली से मिसयूज ऑफ टाइम एंड मनी, दैट्स ऑल आई कैन से। 100% पॉलिटिकल स्टैंड है। अभी महानगर पालिका का अगर ये काम होता तो महानगर पालिका की तरफ वर्क ऑर्डर लगता था कि ये काम किसको दिया है, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, इसका काम कभी से कभी तक होने वाला है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ इधर इसका पोस्टर दिखाई दे रहा है उनका, एक ही पक्ष का, वो महानगर पालिका काम बोल के। अभी इधर महानगर पालिका कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मतलब ऐसे कि इधर महानगर पालिका कुछ काम चल रहा है। वैसे इधर उद्घाटन हो गया, उद्घाटन में महानगर पालिका का एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, तो हम कैसे समझेंगे महानगर पालिका काम है करके। फालतू बर्बादी है सर, ये फुकट जनते का पैसा बर्बाद करने का चल रहा है। अभी ये इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये तुम्हारे इसमें काम किया है करके, बस इसके लिए ये काम कर रहे। पिछले 30 साल से तो मैं हम लोग यहाँ पे रहते आए और ऐसा देखने में कभी नहीं आया कि इलेक्शन के ठीक वक्त पहले बेफजूल काम लेके आकर, जो कि ज़रूरत नहीं है जनता का, उसको लेके आकर ये भ्रष्टाचार, ये लोगों को
है या नहीं है तो जांच करने पे पता चलेगा, लेकिन इसका संशय आ रहा है। वरना भले ऐसा कोई ये प्रोजेक्ट जो लाया जा रहा है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका इंटेंशन क्या है? अब वो सागर विहार में ये किसका उसमें इंटरेस्ट किसका छुपा है, उसका किसका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। अब क्या वहाँ पे किसी का होटल, किसी को होटल चलाना है या किसी का सेटिंग हो चुका है वहाँ पे होटल या कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा काफ़ी सारे मुद्दे शंकाएं लोगों में है। कुछ लोगों से सिग्नेचर लिए गए जनता से कि ऐसा सा बनाया जा रहा है, लेकिन वो जनता भी नहीं जानती है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या किया गया है। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि वहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ बन रहा है, आप लोग का फ़ायदा होगा, लेकिन डेकोरेशन और ये सजावट से क्या किसका फ़ायदा होगा ये तो लोग ही जानते हैं। अभी डेकोरेशन करने वाले का और जो इसमें घूस खाने वाला है उसी का फ़ायदा होने वाला, जनता का क्या फ़ायदा होगा? ड्रीम टावर बनाया गया, वो टावर को कहते थे सनसेट पॉइंट, लेकिन वहाँ की जनता उसको सुसाइड पॉइंट बोलती थी, क्योंकि वहाँ पे जाकर आप देखेंगे वो इतना डेंजरस है। वहाँ पे वार्ड का कोई जनता नहीं जाता है, बाहर के लोग जाते हैं, अश्लील काम करते हैं। ये सुशोभीकरण के नाम पे वो प्रोजेक्ट भी बनाया गया था, अब चुनाव आ रहा है तो ये भी सुशोभीकरण के नाम पे एक और प्रोजेक्ट बनाकर, जिससे बड़ी अच्छी खासी बड़ी कट या कमीशन कहे या घूस कहे जो भी है, इसका मुझे अंदेशा है। बताना जरूरी है कि 25 साल पहले जल परिवहन के लिए वासी के सागर विहार को विकसित किया गया था, अब इसे दोबारा प्रारंभ करने की तैयारी है, जिसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। हालांकि पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ यहां पार्किंग के जमीन पर नया निर्माण कराने की तैयारी में है। जाहिर है अवांछित सुशोभीकरण से यहां पार्किंग की नई मुसीबत पैदा होगी। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि यहां पहले से ही पार्किंग की समस्या है, ऐसे में गैर जरूरी निर्माण की जरूरत भला क्या है। नागरिकों ने कहा कि कोविड संक्रमण और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, तब पूर्व नगर सेविका मनपा अधिकारियों पर दबाव बनाकर सागर विहार में अवांछित विकास करवाने में जुटी है। नाराज नागरिकों ने जोर देकर कहा कि यह सब पब्लिक फंड का दुरुपयोग और चुनाव के लिए फंड जुटाने की कोशिश लगती है। अभी ज्यादा जो खर्चा है वो कोविड के पेशेंट के ऊपर करना है, साफ सफाई के ऊपर करना है, ये ब्यूटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उसका भी कुछ तो उसमें हाथ रहेगा कि भाई काम लोगों को दिखाएंगे तो हमको, हम जीत के आएंगे। जब तुम थे नगर सेवक तब भी ये काम करना ठीक है, अब भी आप कोई पद पे नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं लोगों को समझ आता है, लोग तो अनपढ़ नहीं है। अब पिछले टाइम में भी पानी का टंकी का ऐसा ही उद्घाटन हो गया था, मतलब लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। तुमको काम करना है तो तुम जीत के आके काम कीजिए। जब आप लोगों को कोई जनता ने नहीं चुना है तो जनता का पैसा इस्तेमाल करने का अधिकार दिया किसने? जनता का पैसा क्या समझ के रखे हैं जनता? ये तो दे हैव टेकन ग्रांटेड। वार्ड में हर जगह पे डेकोरेशन, बेफजूल डेकोरेशन, वो गटर का दीवार है उस पर डेकोरेशन, वो किताब है उस पर डेकोरेशन। ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये करप्शन, ये करप्ट माइंड, करप्ट एक्टिविटी और ये करप्ट मैल प्रैक्टिस है, इसका जांच होना चाहिए। क्योंकि ये एक हम लोगों के वार्ड में ऐसा कभी नहीं देखने गया कि ऐसे, ये तो खुलेआम दिखाई दे रहा है ये भ्रष्टाचार। नहीं तो क्या है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के पहले आप काम निकालो, बेफजूल काम जो जनता को ज़रूरत नहीं है वो क्यों निकालते काम? काम और तुम पद पे भी नहीं हो, काम निकाल रहे ताकि इलेक्शन की चंदा जमा, कहीं तुम लोग इलेक्शन की चंदा तो नहीं जमा कर रहे हो? जनता का ये प्रश्न है। पहले भी जब ये आई थिंक 95 या 2000 की बात होगी, उस वक्त भी ये एरिया कम पड़ता था पार्किंग के लिए। यहाँ पे गिन के मेरे ख्याल से 20 या 25 कार्स पार्क हो सकती है एंड सम 20-25 बाइक्स। आज के टाइम में क्या इतना पार्किंग एरिया काफ़ी है? प्लस वहाँ पे होवरक्राफ्ट में 3 या 4 होवरक्राफ्ट आते थे, आज के टाइम में शायद ज़्यादा लगेंगे। प्लस ये छोटा सा ऑफिस देख रहे हैं आप कि क्या कंडीशन में है, आई एम श्योर उनको भी बड़ा एरिया लगेगा फॉर ऑफिस स्पेस। तो इसने कहाँ करेंगे फिर वो? देन यू हैव टू रीलोकेट दिस प्लेस टू सम अदर प्लेस विच इज़ नॉट फीजिबल। मतलब ये एरिया जो ऑलरेडी होवरक्राफ्ट के लिए बना हुआ था, देन वील हैव टू स्टॉप दिस एंड गो फॉर न्यू प्लेस। तो जो एरिया लोग यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस, दे विल बी डिप्राइड ऑफ दिस। बगल में बड़ा एक बड़ा गार्डन है ना, आई थिंक अगर उसको डेवलप किया जाएगा तो वही बेस्ट है, बिकॉज बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं। आजकल वो एरिया इतना खराब पड़ा है कि वहाँ बच्चे जाने से डरते हैं। कोविड का टाइम है, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ ही पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों के लिए काम करना ही है तो कोविड का जो लसीकरण है आई गेस लोगों का ही काम है। फिलहाल स्थानीय लोगों के आरोपों पर टीवी वन इंडिया ने प्रभाग 64 की पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ से जवाब मांगा, जिस पर उन्होंने आरोपों को निराधार बताया। हालांकि उद्घाटन के दौरान विकास कार्यों का सूचना फलक क्यों नहीं लगाया गया, इस सवाल पर उनका कोई जवाब नहीं था। खैर जो भी हो,
इतना तो तय है कि सागर विहार में ऐसे बिना जरूरी विकास कार्यों पर जनता की नाराजगी उन्हें चुनाव में भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।